तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सेल एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला जो हमारा टॉपिक है उसमें प्रोटेक्शन मेथड की। लास्ट क्लास में कंडीशन कन्वर्टिंग के बारे में डिस्कस किया था और दीपक जी विजय जी हमारे साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोटेक्शन मेथड। तो प्रोटेक्शन मेथड तो क्या हुआ कि आप चाहते हैं कि आपका डेटा आपके बगैर कोई छू न सके, मतलब कि कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके या आप जो चाहे वही कर सके, दैट कॉल प्रोटेक्शन मेथड। तो प्रोटेक्शन कई लेयर की होती है, सीट फाइल वर्कबुक कई सारे लेयर की होती है। तो चलिए हम उसी लेयर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं यहां पे कुछ डेटा लिख देता हूं पहले, और मैं चाहता हूं कि मेरे अलावा इस डेटा का कोई छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है, कि मेरे अलावा कोई भी पर्सन इस डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके। तो उस केस में क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, शीट वन पे जाएंगे, राइट क्लिक प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड डाल के हम ओके कर देंगे। अब तुमने इसमें देखा आपने पासवर्ड मैंने नहीं डाला। अब ना डालने का रीजन क्या है मैं बता देता हूं आपको कि जब इसमें आप पासवर्ड डालते हैं प्रोटेक्ट शीट में पासवर्ड को कंफर्म करते हैं तो ध्यान रखिएगा मैसेज दे देगा आपको पहले कि अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आपका पासवर्ड रिकवर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के पास कुछ नहीं है। हालांकि एक्सटर्नल चीजें हैं जिसे रिकवर हो जाता है लेकिन वो भी 100% गारंटी नहीं होता कि वो फाइल को रिकवर करेगा ही, समझ गए। तो यहां पे पासवर्ड कंफर्म कर दीजिए। अब इसमें मैं किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी तो कर ही सकता हूं। अब मुझे इसमें ये भी दिखाना है कि नहीं यहां पे कोई कॉपी भी ना कर सके, उस केस में क्या करेंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या होता है, हम कॉपी को डिसेबल नहीं कर सकते बट कॉपी के लिए जरूरत पड़ती है सिलेक्शन की। विदाउट सिलेक्शन हम कॉपी नहीं कर सकते ना, तो उस केस में जब हम पासवर्ड डालते हैं तो यहां पर देखिए अलाउ और यूज ऑफ वर्कशीट टू, मतलब क्या होता है पासवर्ड डालने के बाद भी आप जो चीजें कर सकते हैं उसका लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि मैंने अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद भी मैं सेल्स को फॉर्मेट कर सकता हूं। तो उसी तरह से बाय डिफॉल्ट यहां होता है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, ये पासवर्ड डालने के बाद हम सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या उनको अनसिलेक्ट कर सकते हैं, राइट सर। तो यहां पे हम इनको अनचेक करके पासवर्ड डालते हैं एंड ओके कर देते हैं। अब क्या होगा कि कहीं पे क्लिक ही नहीं होगा और जाहिर सी बात है जब आप क्लिक नहीं कर पाएंगे तो कॉपी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर एरिया को कॉपी से बाहर रखना है, एक पर्टिकुलर एरिया है उनको कॉपी से बाहर रखना है, कैसे रखेंगे चलिए बताता हूं।
सिलेक्ट किया इसको, मैं इसके लिए कॉपी से बाहर करना चाहता हूं। अब यहां पे देखिए, जब इसको सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो प्रोटेक्ट करते समय यहां पे आता है अलाउ यूजर ऑफ, यहां पे प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, जो हमारा लॉक सेल है उसी पे हमारा प्रोटेक्शन अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो लॉक सेल और अनलॉक सेल क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करके अगर हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए प्रोटेक्शन में लॉक्ड पे जिसपे क्लिक है, इसका मतलब है कि हमारा सेल लॉक्ड है, ये पासवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। जब सीट में पासवर्ड डलेगी तो सेल लॉक होगा, अनलॉक कर दूंगा तो क्या होगा कि अनलॉक हो गया, ये पासवर्ड को सपोर्ट नहीं करता। जब सीट के अंदर पासवर्ड डालेंगे तो मेरा पासवर्ड शो नहीं करेगा। सो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और हम यहां से लॉक को हटा देते हैं, हट गया। अब मैं राइट क्लिक करता हूं प्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड डाल देता हूं। अब मैं यहां कुछ टाइप नहीं कर सकता बट यहां पे टाइप कर सकता। अगर इसका मैं उल्टा करना चाहूं कि मैं चाहता हूं कि एक एरिया मेरा लॉक्ड रहे बाकी अनलॉक रहे, जैसे कि मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट हर एक सीट आपका लॉक्ड होता है, तो हमने यहां पे क्लिक करके पूरी सीट को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल पे गए और यहां से लॉक को हटा दिया। जब हमने लॉक को हटाया तो पूरी शीट का लॉक हट गया इंक्लूडिंग इस दिस रेड एरिया। मैं चाहता सिर्फ ये एरिया जो है वो हमारा लॉक रहे, तो राइट क्लिक हम फॉर्मेट सेल में आते हैं, और इसके ऊपर लॉक लगा देते। अभी क्या हुआ कि ये आपका लॉक्ड है, अनलॉक्ड है, और एरिया आपका लॉक्ड है। अब जैसे मैं पासवर्ड डालूंगा तो रेड एरिया के अलावा बाकी सारी एरिया पे हमारा कॉपी पेस्ट होगा, कॉपी होगा, सॉरी काम होगा, इस पे काम नहीं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर।
हेलो 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 हेलो। सॉरी सर, हाँ ओके। तो ये समझ में आ गया आपको सर? हम सर। एरिए को लॉक रखेंगे और बाकी एरिए को अनलॉक रखेंगे, डाउट इसमें? अब नहीं सर। चलिए इसका एक यूज हम करते हैं। जैसे कि एक डेटा एंट्री हम करते हैं, यहाँ पे नेम हो गया और क्वांटिटी हो गया, एमआरपी, अमाउंट, कमीशन, टैक्स, टोटल और डेट टाइम। अब इसमें क्या है कि मैं एंट्री करता हूं तो इसमें क्वांटिटी जो है और एमआरपी मल्टीप्लाई करके अमाउंट हो जाता अच्छा है। कमीशन जो है इसका 2% है और टैक्स जो है अमाउंट का 18% है एंड टोटल है। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है इससे आ जाता है। हाँ, फोन करके पूछ लीजिए नीचे है। हाँ अब यहाँ पे क्वांटिटी में हम डालते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो अमाउंट है ये पूरा अमाउंट पे यहाँ पे टपके जाना पड़ता है, फिर डेट एंड टाइम डालना पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन जो है, ये पूरी कैलकुलेशन जो है ये होता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला से होता है। तो हमें इसमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हर एंट्री पे हमें चार जो है इस तरह से जाने, चार सेल्स को ले जाने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या करें? आओ कहिया से खाला करा ले लो। तो हम इसको पूरे सीट को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और लॉक को अनचेक कर देते हैं, ठीक है। और फिर इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं जो फॉर्मूला वाले हैं, उस पे राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल और उसको लॉक कर देते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं कि पासवर्ड डालते समय यहाँ पे सेलेक्ट लॉक सेल हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका ये डी ई एफ जी जो है लॉक्ड है, हम इसकी सिलेक्शन थोड़ी हटा दी, मतलब कि इस पे अब कर्सर नहीं जाएगा। पासवर्ड डाल के ओके कीजिए। अब जो देखिए, अगर मैं एंट्री करूंगा जैसे इंदर, और जैसे कर्सर में डाला, अब देखिए डायरेक्ट चला गया डेट एंड टाइम। इससे दो फायदा है, एक तो हमारा फॉर्मूला नहीं दिखेगा और दूसरा टाइपिंग करने में आसान है। ठीक है सर,
ठीक है सर। अब इसी तरह से एक फॉर्म मान लीजिए, इसका कोई फॉर्म में एंट्री कर रहा है जैसे कि नेम है, और यहां पे मान लीजिए सिटी, और यहां पे मार्क्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरा, मैं जब डाटा एंट्री करूं, मेरा कर्सर जब एंट्री करूं तो एंटर प्रेस करने पे कर्सर यहां नहीं, डायरेक्ट मेरा यहां पे जंप होता है। जैसे कि इंटरनेट वगैरह फॉर्म में होता है ना कि जहां टाइप करना है कर्सर वहीं पे मूव होता है, सेम चीज यहां पे करना है। तो हम कंट्रोल के साथ तीनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, और यहां फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और लॉक्ड को हटा देते ताकि इस पे टाइप हो सके। और सेम पासवर्ड डालते समय हम यहां से सिलेक्ट लॉक सेल अनचेक कर देते एंड ओके। अब मेरा कर्सर एंटर मारते यहां पे घूम रहा है। ठीक है, और टाइप भी हम यहीं पे करेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको एक ही फाइल में दो तीन अलग अलग पासवर्ड डालना है, जैसे कि मेरे पास दो एरिया है, इन दोनों पे अलग अलग पासवर्ड डालना चाहते हैं, तो आप रिव्यू में जाएंगे और यहां पे अलाउ एडिट रेंज दिखेगा, आप यहां न्यू कीजिए और एरिया को सिलेक्ट कीजिए, पासवर्ड डालिए और फिर इस एरिया, फिर न्यू पे जाइए, फिर आप एरिया को चेंज कीजिए, दूसरा एरिया लीजिए और इसमें आप अपना दूसरा पासवर्ड डालिए। अब क्या होगा, अप्लाई करके ओके कर दीजिए, लेकिन ये भी अभी एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल कब होगा, जब मैं सीट को प्रोटेक्ट करूं। सीट प्रोटेक्ट कर दिया, अब मैं इस पे बाकी चीजों पे तो टाइप कर ही नहीं सकता, लेकिन जैसे इस एरिया पे जाऊंगा टाइप करने के लिए मुझसे पासवर्ड पूछेगा। मैंने पासवर्ड डाल दिया तो मुझे अब टाइप करने देगा, कब तक, जब तक कि मेरी फाइल रीओपन नहीं होती है। जैसे रीओपन होगा वापस मुझसे पूछेगा। उसके बाद यहां पे अगर हम डालते हैं तो अगेन पासवर्ड पूछे। उसी तरह से आप सीट का रेफरेंस, सीट के जो रेफरेंस होता है उसको आप करना चाहते हो, सीट को डिलीट ना कर सके, इंसर्ट ना कर सके, तो यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक में आएंगे, आप पासवर्ड कर दीजिए। आप कोई भी किसी भी तरह का सीट का चेंजिंग नहीं कर सकता, नहीं नेम, नहीं एडिट, नहीं डिलीट वगैरह वगैरह। लेकिन फाइल की, पूरी फाइल की प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप यहां पे सेव एज करते समय यहां देखिए टूल्स में जनरल ऑप्शंस, इसमें आप पासवर्ड टू मॉडिफाई, पासवर्ड टू ओपन डाल सकते हैं। तो जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आपकी फाइल ओपन ही नहीं होगी। अब इसमें एक चीज और आता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा फाइल सेव एज ना करूं, बिना सेव के एज के प्रोटेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपका इन्फो, जैसे आप फाइल पे इन्फो पे जाते हैं तो यही पे आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक में आपको एनक्रिप्ट विद पासवर्ड होता है। अगर आप एनक्रिप्ट विद पासवर्ड करते हैं तो आपका फाइल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है बिना पासवर्ड डाले। चलिए बिना फाइल को सेव कीजिए, ओमनी पासवर्ड इसमें लग जाता है। इसमें प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डेटा हैंडलिंग का, सॉर्टिंग, फिल्ट्रेशन वगैरह जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, फोन कर रहे हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में।